नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भड़वारा न्यूज। आग का घटना फिर आज सामने आया है। सिंहबाड़ा प्रखंड के सनापुर गांव के वार्ड नंबर 9 में है। चलिए आज हम यहां के कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। आप ही का घर था? ये हमारा था, हमारा भाई का था, बाबू माँ ये सब लग रहा। मतलब कितने लोग का घर था इसमें? चार लोग, चार आदमी का घर था। चार आदमी का घर था। सर कैसे आग लगा, कितने बजे के लगभग? लगभग 12:30-1 बजे के लगभग। 1 बजे के लगभग। क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? इसमें बहुत सामान नुकसान हो गया है सर। अनाज वस्त्र कपड़ा कागज पत्र जो भी था, खाने पीने का सामान सब कुछ सब बेस्ट हो गया सर। हाँ, जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ है सर। बाकी सब अनाज उनाज घर द्वार अल्वेस्टर सब तो बहुत नुकसान। आग पे कैसे काबू किया गया है? आग पे सर ग्रामीणों ने काबू किया और फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी बुलाया गया था सर। पता कैसे चला कि यहाँ पे आग लगा हुआ? जब धुआं का जो देखे तो हम तो घर पे थे भी नहीं, बाहर थे, सब्जी के खेत में काम कर रहे, तो उधर से आए तो देखे घर से धुआं हो रहा था, तो उसमें दौड़े हम लोग। घर में महिला वगैरह सब थी। सिलेंडर भी फटा हुआ है क्या? जी हाँ सर, तीन गो सिलेंडर फटा हुआ है सर। तीन गो सिलेंडर फट गया जी। क्या क्या नुकसान हुआ? और सर अनाज है, काफी कपड़ा उपड़ा बस्ता है, जमीन का कुछ कागजात है, जो गहना जेवरात वगैरह सब बहुत था, और सर अल्वेस्टर का जो घर था, कपड़ा उपड़ा सब था, जो भी सब, और कैश भी पैसा था। हाँ कैश भी पैसा था सर। मेरा 25,000 रुपया था और मेरी वाइफ का 27,000 रुपया था, अलग से था, और बाबूजी का भी कुछ पैसा था जिसमें ज्ञात था, मतलब बताए थे ना, वो भी 25,000 रुपये बता रहे थे। गोभी थे, सब्जी भी अलग रहते हैं, सब्जी का व्यवसाय करके हम लोग दूसरे का खेत जोत के खाते हैं, हम लोग बहुत गरीब इंसान है। क्या नाम हुआ आपका? सर राम सजीवन महतो। आप पापा का? श्री महेश महतो। कितने भाई थे इसमें? आपका क्या नाम हुआ? मेरा राम किशोर महतो। किशोर महतो। कौन कौन अभी आए हुए थे यहाँ पे? यहाँ पर मुखिया जी आए हुए थे, वार्ड ये आए थे, पंचायत समिति जी आए हुए थे, कर्मचारी साहब आए हुए थे, सिंहबाड़ा थाना भी आए हुए थे। क्या बोले उन लोग ने आया था? उन लोग कहे कि जो भी क्षति हुआ आप लिख के दीजिए, लिख के देने के लिए। चलिए और भी चीजें यहाँ पे हम जो दिखाएंगे से होगा सहायता वो करेंगे हम लोग, आप लोग घबराइए नहीं। वही लगने का कुछ कारण पता चला है सर? आग लगने का कारण तो अभी फिलहाल निकला हुआ है। आप जो देख रहे हैं इससे पहले जो वहाँ आग लगा वही सिलेंडर फट के यहाँ है, जो यहाँ पे भी पूरा तरीका से नुकसान कर चुका है। यहाँ पे एक बाइक है वो भी जला हुआ है, घर सब है वो भी जला हुआ है। सबसे पहले ये घर का जो मालिक है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कैसे यहाँ कैसे आग लगा? वहाँ सिलेंडर फटा, उसके कारण यहाँ उड़ के आया, इसके पूरा घर में आग लग गया, बाइक भी जल गया। बाइक भी जल गया। क्या क्या चीज था घर में? बाइक था और कपड़े उपड़े था, दाना भी था, अनाज भी था, सब कुछ सामान ज्यादा था, यही था हमारा। ये घर जो आग लगा हुआ इसमें क्या था? इसमें और रसोई घर था। रसोई घर जलावन था। पापा का क्या नाम हुआ? रामचंद्र भगत। कितना बजे के करीब में इसमें आग लगा था? 12-1 के बीच में। इसमें मतलब काबू, आग पे काबू कैसे किया गया था? पानी से बुझाया, हाथ पानी से बुझाया, और लोग भी आए हुए। हाँ पब्लिक सब। यहाँ पे आग कैसे लगा है? लग गया है, सिलेंडर से लगा, वो सिलेंडर फट के यहाँ तक आया था, सिलेंडर फट के यहाँ पे उड़ के आ गया है। उसी से यहाँ पे भूसा था, नाली था, सारा कुछ था। किन का भूसा था? इसी लाल बाबू कुशवाहा का भूसा था। आप कौन बोल रहे हैं? हम उनके बेटे बोल। आप उनके बेटे बोल रहे हैं? चोट लागल चले होता है यहाँ पे, आग लेके लेकिन चोट लागल चले पानी लाता बुढ़िया का एगो सिलेंडर।